विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान ग्वालियर पुलिस ने कार में 50 लाख रुपए कैश के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर मनोज कुशवाहा और हरिओम रावत ने बताया कि वे रुपए ग्राम अमरोल में जमीन का सौदा कर ला रहे थे। रावत परिवार ने 18 बीघा जमीन यादव परिवार को बेची थी। यह मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के बैला की बावड़ी का बताया जा रहा है। मौके पर प्रशासन के अधिकारी और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं। इस संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा ये बताया गया है कि ग्राम अमरोल टोड़ा थाना छिनौर जिला ग्वालियर की एक जमीन रावत परिवार के द्वारा यादव परिवार को विक्रय की गई थी, जिसकी आज ही रजिस्ट्री हुई है। उस जमीन के सौदा के फलस्वरूप ये राशि उन्हें आज यादव परिवार से प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर वो अपने घर जा रहे थे। पर चूंकि इस समय जो है चुनाव आचार संहिता प्रभावशील है और कोई भी व्यक्ति 50,000 से अधिक की राशि नगद रूप में लेकर अगर मूवमेंट करता है तो वो नियम विरुद्ध है, लिहाजा फिलहाल SST और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसे जब्त करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई है।